भागलपुर जिला प्रशासन एवं कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा के द्वारा आज विक्रमशिला एक्सप्रेस से कतरनी चूड़ा दिल्ली के बिहार भवन भेजा गया। आपको बता दें कि बिहार भवन से वहां से अन्य जगहों पर अन्य माननीयों को कतरनी चूड़ा बांटा जाएगा। आदेशानुसार 3 क्विंटल कतरनी चूड़ा बिहार भवन पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है और हम उसी कार्य के लिए दिल्ली जा रहे हैं। लास्ट टाइम भी गई हुई सर, इस टाइम में दोनों में अंतर क्या है सर? इस बार कितना अधिक, क्या अधिक मात्रा का जा रहा है या कम जा रहा है? पिछली बार 2 क्विंटल गया था, इस बार 3 क्विंटल जा रहा है। और भागलपुरी जो कतरनी चूड़ा है इसकी अपनी खासियत है, इसके सुगंध और स्वाद के कारण इसको GI प्राप्त है और भागलपुर आसपास के जिलों में इसको उत्पादित किया जाता है, तो धीरे धीरे इसकी मांग बढ़ रही है और ये हम लोग बिहार भवन के माध्यम से वहाँ से जो गणमान्य हैं उन तक ये संदेश के रूप में बिहार भवन से वितरित किया जाता है उन लोगों के द्वारा। इस बार मौसम की मार के वजह से उपज में भी कुछ कमी हुई सर, उसके बारे में कुछ क्या कहेंगे? देखिए, बदलते मौसम के परिवेश में खेती तो प्रभावित हो ही रही है, न केवल कतरनी की बात करें, धान की फसलें जो लगाई जाती थी तो खरीफ मौसम में देर से बारिश होने की वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ, खेती प्रभावित हुई है, लेकिन धीरे धीरे कतरनी की जो मांग है वो बढ़ी है और इसके गुणवत्ता के कारण किसानों को आर्थिक लाभ हो रहा है और इसके कारण से अब किसानों का काफ़ी रुझान बढ़ा है और इसी का परिणाम है कि अभी पिछले तुलना में अभी हम लोग 700 एकड़ में कतरनी की खेती भागलपुर ज़िले में हुई, फिर बांका ज़िला है और मुंगेर का कुछ इलाका है, तो अब आगे से इसकी मांग और अच्छे मूल्य किसानों को प्राप्त हो रहे हैं, इसके कारण से किसानों को लाभ हो रहा है। सर, इस बार क्या कतरनी का कुछ एरिया बढ़ा है जिसमें कि पहले तो निश्चित था कि एक लिमिटेड एरिया में ही लगाया जाता है? नहीं, धीरे धीरे इसका क्षेत्र विस्तार हो रहा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसको, जैसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न ब्लॉकों में भी लगाए हैं जहाँ सफलतापूर्वक इसको उत्पादित किया गया है, तो इसमें पहले जैसे जगदीशपुर तक ही सीमित था लेकिन अभी सुल्तानगंज, जगदीशपुर, शाहकुंड और कुछ गौराडी इन क्षेत्रों में भी किसान कतरनी की खेती करने लगे। सर, मौसम की मार की वजह से कुछ या सुगंध में या कुछ ऐसे में कुछ अंतर आया जिससे? नहीं, सुगंध गुणवत्ता जिन किसानों ने इसकी रुपाई कर ली थी उनका उत्पादन अच्छा हुआ है, उसमें गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं आया। सबसे बड़ी खास बात यह है कतरनी में कि कतरनी जैविक ही उगाया जाता है, इसमें जैसे ही हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो इसकी लंबाई और काफ़ी बढ़ जाती है।